हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे पास है वाल्टा का एयरपोर्ट्स। तो दोस्तों इसको आज करेंगे ठीक। इसमें दिक्कत क्या है दोस्तों, देखिए ऊपर वाले हैं ये, कभी चार्जिंग लगते हैं कभी चार्जिंग नहीं लग रहे, और बैटरी लो की प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। जब भी इसको कानों में लगाते हैं तो इसको बैटरी लो ही दिखाएगा ये बार बार, तो ना ही कनेक्ट हो रहा है, कभी कनेक्ट हो जाता है तो बैटरी लो दिखाता रहता है दोस्तों। तो आज इसको देखते हैं खोल के, इसमें क्या दिक्कत है। दिक्कत क्या हुई दोस्तों, ये वॉशिंग मशीन में धो दिया कपड़ों के साथ, जिससे कि ये ख़राब हो चुका है। तो वैसे इसके केस भी चल रहा है और ये भी चल रही है, लेकिन बैटरी लो की प्रॉब्लम हो रही है कनेक्ट होते ही, और ना ही चार्जिंग हो रही है ज़्यादा इसमें। तो इसको फटाफट खोल के देखते हैं इनकी क्या कंडीशन है। तो देखिए यहाँ से हम इसको यहाँ से खोलेंगे, तो जहाँ पे इसका जॉइंट दिया गया है, देखिए यहाँ से खोल के इसकी प्लेट निकलेगी। प्लेट को देखते हैं एक बार। वैसे ही देखिए अब चालू दिखा रहा है, लेकिन कुछ देर बाद ये बंद भी हो जाते हैं, और दोबारा थोड़ा बहुत छेड़खानी करेंगे तो फिर चल जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए इसके अंदर पानी लगा हुआ है काफ़ी, मतलब सूख भी चुका है पानी इसके अंदर, तो आपको कार्बन दिख रहा होगा, वाइट वाइट आया होगा। तो इसको फटाफट प्लेट को बाहर निकालते हैं और निकाल के इसको साफ़ करके देखते हैं दोस्तों, साफ़ करने से चलेगा नहीं चलेगा। तो फटाफट इसकी प्लेट को निकालते हैं। तो इसकी प्लेट को निकालने के लिए दोस्तों हमें इसके आगे से भी खोलना पड़ेगा स्पीकर वाला हिस्सा, जो क्योंकि प्लेट ये ऐसे निकल नहीं रही है। तो स्पीकर वाले हिस्से को खोल लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे भी इसका ज्वाइंट दिया हुआ है, तो बिल्कुल ही ध्यान से देखना पड़ेगा। जब भी आपको दिखता है यहाँ पे ज्वाइंट, तो आप सर्जिकल ब्लेड लेंगे, ब्लेड से इसको थोड़ा सा यहाँ पे दबाएंगे, दबाते ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाएगा, और आप नाखून डाल के इसको फिर खोल लेंगे दोस्तों। देखिए तो चारों तरफ नाखून घुमाएंगे तो आराम से खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा देखिए, जैसे कि हमने इसको खोल लिया है, खोलने के बाद ये देखिए इसका स्पीकर यहाँ से अलग हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे चलेगा, ये ऊपर की जाली ही निकली है। तो देखिए ये बैटरी देख लेते हैं, बैटरी ठीक लग रही है हमको, बैटरी में कोई पानी नहीं गया होगा, प्लेट पे ही पानी लगा है। तो इनको एक बार वॉश कर लेंगे प्लेट को यहाँ से निकाल को, निकालने के बाद इसको वॉश करने के बाद इसको देखते हैं चेक करके, फिर आगे भी आपको दिखाएंगे कि इसके केस के अंदर क्या दिक्कत हो सकती है, इसका केस कैसे खोल लेंगे। तो इसको फटाफट यहाँ से लिक्विड के साथ साफ़ कर लेते हैं, क्लीनर के साथ, जिससे कि इसकी जो कार्बन है वो साफ़ हो जाएंगी। तो फटाफट साफ़ कर लेते हैं दोस्तों इसको। तो देखिए दोनों साइड से अच्छी तरह करेंगे, ताकि जितना भी इस पे ऊपर कार्बन वगैरह जमा हुआ पानी वगैरह की वजह से, तो वो अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। कंपोनेंट वगैरह भी अगर थोड़ा बहुत कार्बन होगा वो भी साफ़ हो जाएगा। तो देखिए ये साफ़ हो चुका है, थोड़ा और घिसा लेंगे इसको अच्छी तरह, जिससे कि बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इसके नीचे पिने हैं, पिनों को भी थोड़ा थोड़ा रगड़ेंगे, जिससे कि पिनों पर अगर कोई कार्बन होगा या कोई लगा होगा इस पर ब्लैक हो रहा होगा, तो इसको वो भी साफ़ हो जाएगा। तो अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। जो नीचे की दो पिन है चार्जिंग लगाते हैं, उनको भी हमें साफ़ कर लेना है, और हल्का हल्का हीट कर लेना है, जिससे कि इसका मॉइस्चर है थोड़ा वो सूखता चला जाए। तो अच्छी तरह हीट कर लेंगे। तो देखिए हमने हीट वगैरह कर लिया है यहाँ से इसको अच्छी तरह। तो इसको ये देखिए, इसकी बॉडी के अंदर भी पानी की वजह से वाइट हो चुका है, तो बॉडी को भी थोड़ा साफ़ कर लेंगे इसकी। तो इसको प्लेट को फिट करते हैं दोस्तों, और ये नीचे देखिए आपको पॉइंट दिख रहे होंगे दो, जो चार्जिंग से अटैच होते हैं, तो इनको भी ऊपर से थोड़ा थोड़ा घिसा लेंगे, क्योंकि ब्लैक लग रहे हैं, तो इनको घिसाने से भी साफ़ हो जाएंगे। जो अगर अटैच नहीं होते होंगे तो अटैच होंगे सही तरह फिर ये। तो देखिए घिसाने के बाद इसको अब फिट कर लेंगे दोस्तों, जैसे इसको खोला था वैसे ही फिट कर सकते हैं सेम। और जो दूसरे वाला इसका एयरबड्स है, उसको भी ऐसे ही सेम खोल के, उसमें सेम यही प्रॉब्लम होगी, तो उसको भी ऐसे ही साफ़ कर लेंगे, और कोई दिक्कत होगी तो उसको दिखाएंगे। वैसे अगर यही प्रॉब्लम होगी तो उसको भी साफ़ कर लेते हैं फटाफट, और साफ़ करके देखते हैं इनको चला के, अगर चलते हैं नहीं चलते दोस्तों ये। तो फटाफट इसको एक बार लगा के देखते हैं, इसमें लाइट आती है नहीं आती है। देखिए लगाने के बाद भी अभी भी कोई लाइट नहीं आई है, क्यों जहाँ तक किया है इसके ऊपर वाले तो हमने बस साफ़ कर लिए, लेकिन अंदर भी इसके अंदर प्रॉब्लम होगी ज़रूर, कि अंदर भी ज़्यादा पानी गया होगा। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए थोड़ा यहाँ से बड़ा करके आपको दिख रहा होगा, ये भी वाइट हो चुका है अंदर से, और पिने ऊपर से ब्लैक ब्लैक दिख रही हैं थोड़ी थोड़ी। तो इनको भी अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। और इसके केस को खोलने का तरीका क्या है दोस्तों, केस को खोलते हैं पहले, केस को खोल के देखते हैं केस में क्या दिक्कत हो सकती है, खोलने के बाद ही पता लगेगा। तो इसका यहाँ पे ज्वाइंट है, ज्वाइंट के यहाँ से खोल लेंगे ओपनर की मदद से। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा और सेफ्टी से खोलना पड़ेगा, क्योंकि हाथ वगैरह पे ये जो चिपटी है ओपनर हम जो भी यूज़ करते हैं, वो हाथ वगैरह पे लगने का डर लगा रहता है। तो इस करके इसको भी थोड़ा संभल के और ध्यान से खोल लेंगे, जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ मैं। पत्ती टाइप ओपनर लेना दोस्तों, अगर चिमटी लोगे तो चिमटी से क्या होगा, निशान ज़्यादा पड़ते हैं दोस्तों, इससे निशान बहुत कम पड़ते हैं। तो इसको ऐसे ही चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये ऊपर आ जाएगा तो फिर अपने आप ही निकल जाएगा। तो इसको देखिए चारों तरफ से हम कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसको उठाते जाएंगे, एकदम नहीं उठाना दोस्तों, एकदम उठाएंगे तो बॉडी पर ज़्यादा निशान भी पड़ेंगे और टूटने का डर बना रहेगा। इस करके इसको बिल्कुल आराम से चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, जिससे कि हिल हिल के थोड़ा थोड़ा ऊपर आता जाएगा। तो देखिए बिल्कुल आराम से निकल चुका है। तो ये इसका देखिए यहाँ पे लॉक है, जो ये पिन के द्वारा बना हुआ है, ये पिन अंदर अटैच हो जाती है, जिससे कि ये यहाँ पे अटका रहता है। तो देखिए इसकी कंडीशन कितनी ख़राब हो चुकी है, प्लेट भी काफ़ी कार्बन आ चुकी है, और एक को दो पॉइंट तो बिल्कुल ब्लैक दिख रहे हैं, और बैटरी के अंदर भी काफ़ी पानी जाने के बाद शायद बैटरी भी ख़राब हो गई है। इस करके यही लो प्रॉब्लम वगैरह दिखा रहा होगा दोस्तों। तो साइड में जो भी आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर करना, आप खाली इस चीज़ पर ध्यान रखना कि हम इसको कैसे ठीक कर रहे हैं।
तो थोड़ा यहाँ से आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। देखिए आपको दिख रहा हो ये आईसी वगैरह खाली बिल्कुल ग्रीन वगैरह दिख रही होगी आपसे, यहाँ पर बिल्कुल कार्बन आने के कारण ये शॉर्ट भी होगी होगी कई चीज़ें, तो जिसके कारण ये चार्जिंग की प्रॉब्लम आ चुकी होगी। तो इसको एक बार खोल के देख लेते हैं अच्छी तरह, टेप वगैरह उतार लेंगे, इसकी टेप वगैरह उतार के बैटरी को भी चेक कर लेंगे। बाकी जहाँ तक क्या बैटरी हमें को ख़राब ही दिख रही है क्योंकि बैटरी के अंदर भी पानी गया हुआ है, तो इसके ऊपर टेप लगी है, टेप को कट करके इसको निकाल लेंगे यहाँ से बाहर, तभी ये इसको खोल पाएंगे। तो इसकी टेप को हमने कट कर लिया है यहाँ से, तो इसकी टेप को उतार लेते हैं दोस्तों यहाँ से। बिल्कुल उतारने के बाद ये बैटरी है, देखिए बैटरी को निकाल के देखते हैं एक बार, अगर बैटरी ये चलती है तो ठीक है दोस्तों, अगर नहीं चली तो फिर हमें इसमें नई बैटरी ही लगानी पड़ेगी, जहाँ तक कि ये बैटरी हमें ख़राब लग रही है। तो अब देखिए इसकी प्लेट को भी निकालते हैं यहाँ से, ये प्लेट में दो नट दिए गए, इन दोनों नटों को खोल के प्लेट को अलग कर लेंगे। इससे क्या होगा कि अंदर वाली पिनें हैं जो वो भी साफ़ हो जाएंगी, और प्लेट को भी हम अच्छी तरह क्लीनर से साफ कर लेंगे। या पेट्रोल वगैरह यूज कर सकते हैं दोस्तों, पेट्रोल हो, डीजल हो, या एसीटोन स्प्रे हो दोस्तों, इन चीज़ों से हम इनको साफ़ कर सकते हैं अच्छी तरह। तो इनके नटों को खोलते हैं और प्लेट को निकालते हैं बाहर, और इसको करते हैं वॉश। वॉश करने के बाद देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और वो भी आपको दिखाएंगे कम्प्लीट। तो वीडियो कम्प्लीट देखना दोस्तों, वीडियो कम से कम आपकी लगाओ 10 से 11 मिनट की होने वाली है दोस्तों, क्योंकि वैसे इसको कम से कम आधे घंटे ज़्यादा टाइम लग गया था, इसको एक डेढ़ घंटा लगा है ठीक करने में भी। तो अब देखते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम मिलती नहीं है दोस्तों, छोटे छोटे पार्ट होते हैं तो प्रॉब्लम को ढूंढना पड़ता है, मीटर से मल्टीमीटर से देखना पड़ता है कौन कौन सा पॉइंट कहाँ कहाँ से ख़राब होता है दोस्तों, तो फिर ये ठीक हो पाते हैं। तो काफ़ी टाइम लग जाता है ठीक करने में। वीडियो तो मैं काफ़ी छोटी बनाता हूँ ताकि जो मेन मेन पार्ट है हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा बैटरी बिल्कुल अंदर से कार्बन आने के कारण ख़राब हो चुकी है। तो अब हमें करना क्या है, इसकी बैटरी की तारों को यहाँ से तोड़ लेते हैं दोस्तों। तोड़ने के बाद इसको एक बार क्लीन करते हैं, प्लेट को वॉश करने से क्या होगा कि हमें पॉइंटों का सही तरह थोड़ा दिखेगा कि कौन सा पॉइंट है जो ख़राब हो चुका है, कौन सा कंपोनेंट है जो ख़राब हो चुका है और चेंज करना पड़ेगा, या खाली जम्पर लगाने से ही काम चल ले जाएगा। तो इसको एक बार वॉश करते हैं अच्छी तरह, वॉश करके इसको हल्का हल्का हीट कर लेंगे, जिससे कि ये जो मॉइस्चर वगैरह होगा वो भी सूख जाएगा, जो हमने लिक्विड लगाया है वो भी सूख जाएगा, और जो इस पर कार्बन है वो साफ़ करने से साफ़ हो जाएगी। तो देखिए प्लेट है दो बिल्कुल अब साफ़ हो चुकी है, पीछे से थोड़ा साफ़ कर लेते हैं और अच्छी तरह, क्योंकि हमें साफ़ ही करना पड़ेगा, इसको साफ़ करेंगे तभी हमें पता लगेगा इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट बचे हैं और कौन कौन से ख़राब हैं। तो और लिक्विड डालेंगे अच्छी तरह, इसको साफ़ करेंगे आगे से भी पीछे से भी, सही तरह साफ़ करने के बाद ही इसको हम रिपेयर कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ से भी इसके पिने हैं काफ़ी हद तक साफ़ हो चुकी है। तो अब इसको देख लेते हैं दोबारा एक बार चेक करके फिट करके इसमें थोड़ा लगा के ये इसकी आगे पिने चार्ज हो रही है नहीं हो रही है दोस्तों। और उससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें बैटरी लगा लेते हैं। देखिए बैटरी लगा लेते हैं, बैटरी कैसे लगानी है, जो प्लस पे प्लस का निशान है वहाँ पे रेड लगेगी, और जो ब्लैक वाली है वो माइनस पे लग जाएगी। तो इसको अटैच करके फटाफट इसमें चार्जिंग वगैरह लगा के चेक करते हैं। देखिए तो चार्जिंग की पिन है जो वो तो आ चुकी है इसके अंदर, रेड कलर की आपको दिख रही होगी ब्लिंक करती हुई। तो अब इसको फटाफट यहाँ पर चार्जिंग लगा के देखते हैं चार्जिंग होगा या नहीं होगा दोस्तों। तो इनको यहाँ पर अटैच कर लेते हैं, और नीचे पिन हमने लगाई है दोस्तों। देखिए हमने चार्जिंग वगैरह लगाया लेकिन ऊपर वाले बर्ड्स हैं जो वो चार्ज नहीं हो रहे हैं, कोई भी लाइट वगैरह शो नहीं कर रही है। जब चार्जिंग होंगे तो रेड कलर की लाइट आएगी, तो लेकिन इसमें कोई भी लाइट आ नहीं रही है। तो हमने इसका कंपोनेंट जो हमने चेक किया है इसके, जो यहाँ से देखिए आपको चिमटी लगा के दिखा रहा हूँ, तो ये लगाते ऊपर आपको दिख रहा हो चार्जिंग की लाइट आ गई है, दोबारा लगा के दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए यहाँ से अगर हमने कंपोनेंट से यहाँ से सीधा इस पर लगाया पॉइंट पर, तो चार्जिंग के ऊपर शो कर रहा है और हटाते ही वहाँ से छोड़ देता है। तो मतलब यहाँ से जो ट्रैक है इसका वहाँ से मिस हो चुका है। तो जो कि यहाँ पे ट्रैक हम क्या करेंगे, जंपर लगा सकते हैं सीधा, इस साइड से इस साइड हम जंपर लगाएंगे तो जो ये अब सही तरह काम करेगा, चार्जिंग भी होगी। तो इसमें यही था, यहाँ से जो प्रिंट है इसका मिस हो चुका है, जिसके कारण कि चार्जिंग की प्रॉब्लम भी आ चुकी है और चार्ज नहीं हो रहा था, लो बैटरी की प्रॉब्लम आ रही थी और बैटरी भी ख़राब है, वो सही तरह चार्ज नहीं हो रही थी इसलिए ये काम नहीं कर रहा था प्रॉपर। तो देखिए अब इसको हमने थोड़ा सा देर लगाया तो इसमें लाइटें दोनों में आ चुकी है, पहले लाइट नहीं आ रही थी। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ से देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट से सीधा यहाँ लग जंपर लगा दें, क्योंकि ये पॉइंट है ये जो कि घूम के यहाँ से इस पॉइंट से सीधा आगे लग जा रहा है। तो यहाँ से जंपर लगा लेते हैं फटाफट, तो दिखाता हूँ आपको। देखिए जंपर कैसे लगाया हमने, तो आपको देखिए ये कंपोनेंट दिख रहा होगा यहाँ से C4, तो यहाँ से जंपर उठा के सीधा हमने ये वाला आपको जंपर दिख रहा है इस पॉइंट से लगा दिया हमने, इस पॉइंट से सीधा ये यहाँ तक वोल्टेज जा रही है। तो अभी ये बिल्कुल सही तरह चार्ज भी होगा, देखिए तो इसको फटाफट अब फिट कर लेते हैं। देखिए फिट करने के बाद आपको लगा के दिखाता हूँ इसमें ये काम करेगा नहीं करेगा। तो इसको लगाते हैं फटाफट, देखिए हमने यहाँ पे फिट कर लिया इसको थोड़ा यहाँ से। तो देखिए लगाते हैं, इसमें लाइट आ चुकी है दबाने के बाद, तो इसको भी दबाते हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल दोनों में लाइट आ चुकी है, दोनों चार्ज हो रहे हैं, अब सही तरह चार्ज होंगे दोस्तों। इनको थोड़ा चार्ज करके देख लेंगे, चेक करके सही तरह कनेक्ट हो रहे हैं, और लो प्रॉब्लम आ रही थी जो बैटरी की, लो प्रॉब्लम की बैटरी थी वो प्रॉब्लम ठीक हुई कि नहीं हुई। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों ये भी बताना आप कमेंट करके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा।
थोड़ा लेट दे सकता हूँ, लेकिन आपको जवाब दूर दूंगा आपके मैसेज का। कि कोई प्रॉब्लम आपको अगर समझ नहीं आती तो उसमें मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि क्या दिक्कत क्या नहीं है। बाकी आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप कमेंट में नंबर भी ले सकते हैं दोस्तों मेरा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अब इसको चार्जिंग लगाते हैं, देखिए चार्जिंग इसमें हो रही है और ऊपर वाले बड़े से हमें भी चार्जिंग हो रही है। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों जिसने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको नई नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले दोस्तों।